साइलेंट कर रहे हैं फोन। नहीं नहीं कॉलिंग वॉलिंग लो नहीं, ये हाथ में है तो साइलेंट कर दीजिए। ठीक है। हे गाइस, इंस्टा लाइव में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम अपना एयरपोर्ट कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे पहले वीवर ज्वाइन हो चुके हैं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठवें वीवर भी ज्वाइन हो चुके हैं। ओके ओके ओके। हेलो हर्षित जोश, हाय सात्विक ऐसे, ओके पपी वर्ल्ड बैंगलोर, हेलो हाय शिरीष सोनी, हाय कटर बिकेन, हेलो सपना जायसवाल, हेलो पंकज सिंह, लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई, हेलो हाय 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 लव यू, हेलो ओके। सो गाइस आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके तो बहुत तेजी से सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हैप्पी संडे गाइस। तो उम्मीद है आप सब बहुत मज़े में, बहुत कुशल मंगल होंगे। अभी हमारे साथ भाई लाइव में ज्वाइन होने जा रहे हैं, तो जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को टाइम दे देता हूँ। ओके तो वेटिंग फॉर पंकज, कनेक्टिंग हो रहा है कॉल। हाय पंकज, हाय हमारे साथ लाइन पे हैं फिलहाल। हेलो हाय हाउ आर यू, आई एम गुड, नाइस टू सी यू ऑन अ संडे मॉर्निंग। सेम हियर ब्रो। सो पंकज जी का नेटवर्क एरर आ गया, वो देख के इतना खुश हो गए कि उनका फोन हाथ से आई थिंक शायद गिर गया है, या फिर अभी दोबारा लाइव ज्वाइन करेंगे। सो बेसिकली आज का जो हैप्पी संडे है गाइस, आज का हैप्पी संडे है हैप्पी स्टोरी का। तो आज की स्टोरी है हमारे शेरू की। तो शेरू एक छोटा सा पोमरेनियन का पपी है जिसको अबेंडेंट कर दिया गया था 3.5 मंथ की एज में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में, और वहाँ पे उसको काफ़ी स्ट्रीट डॉग्स ने परेशान किया, और स्ट्रीट डॉग्स के कई बार काटे जाने, परेशान करने, और लोगों की कई बार लात घूसो खाने के बाद हमारा शेरू पहुँच गया गोरखनाथ मंदिर के द्वार पे। तो गोरखनाथ मंदिर जैसा कि हम और सब जानते हैं कि जीव प्रेम का यानी कि जंतु प्रेम का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वहाँ पे सबसे वहाँ पे की गौशाला के भी आपने बहुत सारे फोटोज वीडियोस देखे होंगे। तो शेरू की अगर बात करें तो शेरू को वहाँ पे एक साधु बाबा ने, एक महंत जी हैं वहाँ, अलग हो जाएगा काटेंगे तो। हेलो हाँ, तो वाराणसी ब्लॉग, ओके तो देखते हैं कौन कौन लोग लाइव आना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। शौर्य वर्धन राजपूत, अक्षय, सो अभी स्टोरी पे रहते हैं क्योंकि लाइव में अगर आप सब में से किसी को भी मैं शामिल करूंगा तो हमारी स्टोरी आधी अधूरी रह जाएगी। तो जो शेरू है गाइज, शेरू को अबेंडेंट कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि शेरू एक पोमरेनियन है और शेरू के हेयर फॉल हो रहे हैं, और हेयर फॉल के कारण उसके मालिक ने तंग आकर शेरू को अबेंडेंट कर दिया है, अपने घर से भगा दिया है, अपने घर से निकाल दिया है, और वो 3.5 से 4 महीने का पोमरेनियन पहुंच गया है गोरखनाथ मंदिर के द्वार पे। वहां पे उसे मिलते हैं एक बाबा जी, जिन बाबा जी का नाम है साधु वेंकटेश्वर, और उन्होंने बहुत प्यार से उसको दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद वो एकदम झप करके उनकी गोद में आया, और उनको एहसास हुआ कि ये किसी का पालतू डॉग है क्योंकि शेरू के गले में लाल रिबन था, और उस लाल रिबन के बांधे जाने के कारण पता चला कि शेरू एक पालतू डॉग है। तो बाबा जी उसको अपने घर लेकर के जाते हैं, उसको पालते हैं, और शेरू के बदन पे बहुत सारे जख्म होते हैं, उन जख्म से बहुत सारा खून बह रहा होता है, और 2-4 जगहों पे तो उन चोट और घाव के अंदर कीड़े भी पड़ चुके होते हैं। वो बाबा जी हमें फोन करते हैं और फोन के माध्यम से हमें ये सारी जानकारी और कहानी सुनाई जाती है। एक्चुअली ये कहानी नहीं है, ये है एक किस्सा जो बन गया है आज आपके और हमारे इस लाइफ का हिस्सा। सो उसके बाद क्या होता है, हम उनको बताते हैं कि डीमैक्स स्प्रे आप यूज कीजिए और सोफ्रामाइसिन या बेटाडीन क्रीम लगाइए, कुछ एंटीबायोटिक्स दीजिए। तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद शेरू जो कि अब बाबा जी के घर में रह रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है, अच्छा हो गया है, और
बहुत कुशल मंगल से हो गया और आज शेरू हमारे पास आया है। एक्चुअली ये स्टोरी हमारी है 10 महीने पहले की। आज शेरू हमारे पास 14 महीने का हो गया है गाइस। तो मैं आपको शेरू की एक छोटी सी झलक अभी दिखाने जा रहा हूँ। शेरू की अभी हेयर कटिंग हम करा रहे हैं और बाबा जी अभी फिलहाल बनारस में विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। हाय शेरू, हाय बेबी। तो शेरू की हेयर कटिंग हो गई है क्योंकि इसके हेयर फॉल हो रहे थे। ये देखिए हेयर कटिंग अभी की जा रही है, राइट, पीछे खींचे थोड़ा सा। तो ये रहा वो शेरू जिसको अबैंडन कर दिया गया था। सो गाइस, व्हाट इज द होल एंड सोल इस लाइव वीडियो का? एक्चुअली जब भी मेरे पास कॉल आता है देश के किसी भी कोने से कि किसी डॉग को अबैंडन कर दिया गया है, किसी को निकाल दिया गया, आप सोच सकते हैं कि आपका पपी, आपका डॉग आपको होल एंड सोल मान लेता है, अपने लाइफ का, अपने जीवन का अन्नदाता, भगवान, ओनर, मालिक, माँ बाप, सब कुछ आप हो जाते हैं। और अचानक एक दिन आप उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। शेरू को जितने लोग जानते हैं गोरखपुर में, उन्होंने बताया कि शेरू 3 दिन तक अपने मालिक के दरवाजे से नहीं हटा था और लगातार उसको 3 दिन पीटा गया। जब शेरू इतने बड़े से छोटे से पपीज थे, मुझे समझ में नहीं आता कोई इतना हार्श हार्टेड कैसे हो सकता है, इतना रूड कैसे हो सकता है, इतना ब्लैक हार्टेड कैसे हो सकता है कि 3 दिन तक उस बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसके हेयर फॉल हो रहे थे। हेयर फॉल में उस डॉग की कोई गलती नहीं होती, राइट? तो पहली चीज, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। क्या हो गया? जाना है, जाइए। कितने मिनट में आओगे? निकल। आप लोग कॉलिंग ले सकते हैं, कंटिन्यू आप अपनी कॉलिंग लेते रहिए। तो बेसिकली मुझे समझ में आता है कोई कैसे सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए हेयर फॉल। तो दोस्तों आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपकी मम्मी पापा भाई बहन सबका हेयर फॉल हो सकता है गाइस। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हेयर फॉल हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हमने आपने समझा नहीं कि हम और आप पेट क्यों रखने जा रहे हैं। सो गाइस, अगर आप भी पेट रखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के लिए रेडी हो जाइए। हेयर फॉल होगा, सुसु पॉटी करेगा, कभी कभार शोर करेगा, आप कहीं अकेले घूमने नहीं जा पाओगे क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेट की। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप एक जिंदगी को अडॉप्ट करते हैं, आप एक नए फैमिली मेंबर को अडॉप्ट करते हैं, आप किसी डॉग को अडॉप्ट नहीं करते कि 2,000-5,000-10,000 रुपये का डॉग आपने ले लिया और उसके बाद आप उसको छोड़ दो। तो बहुत सारे हार्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आप सबको हमारी वीडियोज़ और हमारी स्टोरीज अच्छी लगती है, तभी मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। सो गाइज, शेरू की तरह इस देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं, बहुत सारे ऐसे पपीज हैं जिनको अबैंडेड कर दिया जाता है। तो गाइज, आपको कहीं पे भी ऐसे कोई डॉग्स मिलते हैं ना, तो आप ज़रूर उन्हें प्यार दें, आप उन्हें सपोर्ट दें और वो आपके लिए पूरी ज़िंदगी भर लॉयल रहेंगे। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें अगर आपको कोई अबैंडेड डॉग मिल जाता है। आप 2-4-5 दिन रखिए, हम आपके यहाँ से किसी डॉग को एक अच्छी फैमिली प्रोवाइड करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति फ्री में डॉग पाना चाहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति अच्छा डॉग लेना चाहते हैं बट पैसों के न होने के कारण वो नहीं ले पाते। तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो शेरू की ये स्टोरी बहुत अच्छी है और शेरू आज बहुत अच्छे हो गए हैं, उनकी हेयर कटिंग हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। सो कुल मिला जुला के बात ये है कि अगर आपका डॉग को कोई भी बीमारी हो गई है ना, तो आप अपने डॉग को छोड़ मत दीजिए, क्योंकि जितना वो बीमारी से नहीं टूटता उतना आपके छोड़े जाने से टूट जाता है। सो आई होप गाइज, आपको ये शेरू का ये किस्सा, छोटा सा किस्सा, अच्छा लगा होगा और हमारे शेरू को देखकर आपको बहुत प्यार भी आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार आया है, क्योंकि जब स्टोरी में आपको ये सुना रहा था तो काफ़ी इमोशनल हो गया था, क्योंकि ये छोटा बच्चा जब 10-12 जगह काटा गया होगा, जब बहुत सारे डॉग्स के बीच में होगा, तो ये कितना डर गया होगा, क्योंकि हमेशा घर में रहने वाला डॉग जब पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट शेरू, दैट्स ऑल अबाउट माई लिटिल स्टोरी। हम ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे, आपको अपनी स्टोरीज बताते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। यूट्यूब पे हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और गाइज, आप पेट किस बात का कर रहे हैं? भाई का फॉलोअर्स बढ़ाने का मतलब आप समझते हैं? आप हमारे जब इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हो तो हम बहुत सारी जानकारियां शेयर करते हैं, जानकारी बढ़ाने से बढ़ती है। तो अपने आप को मत रोकिए,
इंस्टा पे स्टोरी हमारी डालने से, अपने इंस्टाग्राम आईडीज पे हमारी स्टोरीज पोस्ट कीजिए, हमारे पोस्ट एक दो पोस्ट कीजिए, मैं नहीं कह रहा पूरी पूरी स्टोरीज ही डाल दीजिए। और हमारे पास क्या क्या मिल जाता है गाइज, बेसिकली आई एम फ्रॉम सौरभ डॉग कैनल, आई एम द एमडी ऑफ सौरभ डॉग कैनल, ओनर ऑफ सौरभ डॉग कैनल। तो एसडीके में आपको जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, शिह त्ज़ू, चिहुआवा पग, पोमेरियन डॉबरमैन, अलास्कन मैलाम्यूट, साइबेरियन हस्की, इंग्लिश बुलडॉग जैसे बहुत सारे डॉग्स मिल जाएंगे। ओके तो ओके 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 हेलो हाय 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 हेलो हाय हेलो। हाँ सो अभी 15 मिनट के बाद मैं YouTube पे लाइव आने वाला हूँ गाइज, सो डोंट मिस इट आउट, जस्ट बी देयर, ज्वाइन माई YouTube चैनल। YouTube लाइव में स्वागत है आप सबका, YouTube पे आइए, ताकि Instagram पे कुछ कम होते हैं फॉलोअर्स, YouTube पे हजारों लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हमारे हैं, तो वहाँ पे जवाब देने में भी मज़ा आएगा और आपको जवाब लेने में भी मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए। बाय। क्या बकवास स्टोरी थी, हमें अच्छा लगा। हाँ